नमस्कार दोस्तों, मैं संजय, स्वागत है आपको मस्ती क्लब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बता एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में मैं बताऊंगा जो कि आपके सबके मोबाइल में ये है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ मैक्स प्लेयर की। फ्रेंड्स, अगर आपके मोबाइल में ये मैक्स प्लेयर का एप्लीकेशन नहीं है तो मैं इस वीडियो में के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूँगा, आप वहाँ से भी मैक्स प्लेयर को डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन में अगर आप वीडियो सॉन्ग सुनते हैं तो आप अपने वीडियो सॉन्ग चालू जब कर देते होंगे तो उसको जब होम बटन दबाते होंगे तो आपका ये वीडियो भी बंद हो जाता होगा। कई बार होता है दोस्तों कि आपका इस वीडियो को वीडियो सॉन्ग तो अच्छा लगता है, उसमें वीडियो जो चल रहा है वो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो किस तरह आप अगर बैक भी चल रहे हैं तो आपको वीडियो सॉन्ग चलता भी रहे, आप दूसरा भी मोबाइल में किसी और भी एप्लीकेशन को भी यूज कर सकते हैं और वीडियो सॉन्ग भी चलता रहेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि अपने मैक्स प्लेयर में बैकग्राउंड प्लेयर किस तरह यूज कर सकते हैं। आपको कुछ इसमें कुछ करना नहीं होगा दोस्तों, सिर्फ इस एप्लीकेशन में एक सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आप बहुत ही आसानी तरीका से होम बटन को दबा कर भी आप दूसरा भी वर्क कर सकते हैं और अपने प्ले स्टोर में वो वीडियो सॉन्ग भी सुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको कर ये दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये कर दिखाता हूँ कि जब इस सेटिंग को आप ऑन नहीं कीजिएगा तो आप किस तरह ये चलेगा, जैसे ही होम बटन में जाइएगा तो ये बंद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं पहले होम स्क्रीन पे अपने मैक्स प्लेयर के वीडियो चलाकर आपको पहले दिखाता हूँ ये सेटिंग को ऑन करने के पहले। तो देखिए, मैं अगर ये वीडियो आपको चलाकर दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये वीडियो चल रहा है, इसको जब मैं होम बटन पे दबाऊंगा तो ये वीडियो बंद हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो बंद हो गया। अब इसी सेटिंग को मैं ऑन कर दूंगा, अगर इस सेटिंग्स को ऑन कर दूंगा तो मैं होम बटन भी दबा दूंगा तो ये वीडियो बंद नहीं होगा, इसका आवाज़ आता रहेगा, सिर्फ आप देख नहीं सकते और दूसरे एप्लीकेशन को भी आप वर्क कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आपको ये कर दिखाता हूँ। तो चलिए मैं इस एप्लीकेशन में गया, उसके बाद बैक जाता हूँ थोड़ा, उसके बाद ये थ्री डॉट है, इस थ्री डॉट पर क्लिक करें, उसके बाद सेटिंग में चलें, उसके बाद प्लेयर में चलें, प्लेयर में जाकर थोड़ा स्लाइड ऊपर करें, थोड़ा स्लाइड ऊपर करके यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, ये देखिए बैकग्राउंड प्लेयर, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, ये मैंने इसको क्लिक कर दिया है, तो इसको आप क्लिक कर देंगे तो ये जब भी मैं जो भी वीडियो चलाऊंगा तो बैक भी चल जाऊँगा, अपने होम स्क्रीन में भी चल जाऊँगा तो वीडियो चलता रहेगा, इसका आवाज़ आता रहेगा। तो चलिए मैं अब ये कर दिखाता हूँ। तो देखिए, मैं यही वीडियो को अब चला कर आपको दिखाता हूँ। तो देख, ये चल रहा है, अब मैं इसमें होम स्क्रीन पे मैं जाता हूँ तो देख सकते हैं दोस्तों, अब ये होम स्क्रीन में मैं चला गया। अब इसमें मैं कुछ भी चला सकता हूँ या कुछ भी खोल सकता हूँ, ये वीडियो चलता रहेगा और आसानी से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, जो मर्जी वो यूज कर सकते हैं। देखिए, मैं कोई भी एप्लीकेशन को खोल रहा हूँ, वीडियो भी चल रहा है फ्रेंड्स। इस तरह का वीडियो मैं लाता रहता हूँ। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबा दें दोस्तों। दोस्तों, वीडियो अगर आपको ये ट्रिक थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय दोस्तों।